फ्री में सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल कहानी सबकी को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केस के आने की कहानी सबकी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अनीश। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म बलवान से अपना करियर शुरू करने वाले सुनील शेट्टी की पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्हें फिल्म मिलती रही थी। दोस्तों, आगे की फिल्म भी जब कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही थी तो एक समय ऐसा आ गया था कि सुनील शेट्टी के लिए इंडस्ट्री छोड़ने की नौबत आ गई थी। तब ऐसे समय में सुनील शेट्टी के लिए उनके खास दोस्त भगवान बनकर आए थे। दोस्तों, उन दिनों बॉलीवुड के सिंघम यानी कि अजय देवगन अपनी पहचान बना चुके थे और वो इस काबिल हो गए थे कि वो किसी की भी मदद कर सकें। ऐसे में वो अपने सबसे खास दोस्त सुनील शेट्टी की मदद के लिए आगे आए। दोस्तों, सुनील शेट्टी की फिल्म मोहरा तो आपको याद होगी कि इस फिल्म ने सुनील शेट्टी को रातों रात स्टार बना दिया था। दरअसल ये फिल्म पहले अजय देवगन को ऑफर हुआ था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सुनील शेट्टी की हालत को देखते हुए अजय देवगन ने निर्देशन से रिक्वेस्ट की कि वो इस फिल्म में उनके रोल की जगह सुनील शेट्टी को दें। जब निर्देशक ने सुनील शेट्टी का लुक टेस्ट किया तो ये उस चरित्र में फिट बैठ गए और वो फिल्म सुनील शेट्टी को मिल गई। दोस्तों, जिसके बाद सुनील शेट्टी ने लगातार कई हिट फिल्में दी और लगभग 110 फिल्मों में काम किया। वाकई ये सिंघम उन दिनों सुनील शेट्टी के लिए भगवान बनकर आए थे। दोस्तों, अब आप बताइए कि आप इन दोनों की दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे, प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।